हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपको यूट्यूब पे ज़्यादा ट्रैफिक अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। लाइक फ्रेंड्स, जैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि नया नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं, लेकिन उन्हें यूट्यूब चैनल के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता है, जिसके कारण कि उनके वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पाती, उनके चैनल्स पर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमें अपने YouTube चैनल को बनाने के समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि हमारी YouTube चैनल की ग्रोथ अच्छी हो सके। सो बिफोर वी बिगिन, हाई फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज शाह और आप देख रहे हैं DG शाह हैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है तो आप अपने मोबाइल में भी इसे खोल सकते हैं। बस आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उस पर आपको इनकॉग्निटो मोड खोलना है। देखिए, अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि आपको कैसे ये करना है। उसके बाद आपको राइट साइड वाले 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेना है। बाकी आगे के प्रोसेस फ्रेंड्स दोनों ही केसेस में सेम होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर youtube.com खोल लेते हैं। सो youtube.com को खोलने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर साइन इन करने के लिए कहा जाएगा। आपको यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, जब साइन इन हो जाएगा YouTube पर, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपने प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अ चैनल जो दिख रहा है, बस आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ आप करिएगा यूज़ अ कस्टम नेम। यहाँ अपने चैनल का नाम लिखना है, जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। आई अंडरस्टैंड पर आपको क्लिक कर देना है, देन क्रिएट। नाइस वर्क, योर चैनल DG शाह हैक्स हैज़ बीन क्रिएटेड। अब ये बन चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक डालना है, जो भी आप इसका प्रोफाइल पिक रखना चाहते हैं। लाइक मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्रोफाइल पिक यहाँ पर आ गया है। अब आपको यहाँ पर नीचे करना है, यहाँ पर आपको अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन डालना है। ये भी बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। एक मिनट रुक जाइए, मैं अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अपना चैनल डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें डालना है अपना वेबसाइट का नाम। लाइक अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, DG शाह.com। ये सोशल लिंक्स भी अगर आप चाहें तो अपने फेसबुक का URL, ट्विटर का URL और इंस्टाग्राम का URL आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। चलिए देखिए, अब हम यहाँ अपने चैनल पर आ गए हैं। ओके, सो अब हमको यहाँ पर सबसे पहले कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आ रहा है ऐड चैनल आर्ट। ये चैनल आर्ट भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये आपके व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, तो आप अपना एक बढ़िया सा एक चैनल आर्ट बना करके आप यहाँ पर चाहे तो डाल सकते हैं। अब आपको यहाँ ऐड चैनल आर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपको इमेज अपलोड करने के लिए बोलेगा। देखिए, आपको यहाँ सेलेक्ट अ फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपने अपना इमेज फाइल रखा होगा उसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए, यहाँ पर अपलोडिंग शुरू हो चुकी है। अपलोडिंग हो रही है, इसे हम अपलोड होने देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चैनल आर्ट को अपलोड करने समय फ्रेंड्स बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये आपका जो चैनल आर्ट हो इसकी साइज़ यही हो, 2560x1440। इसे देख करके आप अपना चैनल आर्ट बनाइएगा और 6 MB से मिनिमम हो इसका साइज़, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये इमेज अपलोड हो रखा है, हो चुका है हमारा ये चैनल आर्ट अपलोड। देखिए, हमें यहाँ पर इसका प्रीव्यू शो कर रहा है कि ये TV पे कैसा दिखेगा, मोबाइल पे कैसा दिखेगा और डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, अगर आपको लगता नहीं एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पर से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बट मुझे लगता है ऑल सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बस इसे सेलेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ये यहाँ पर मेरा देखिए ये सेव्ड आ गया, यानी ये देखिए अब आपका ये चैनल आर्ट प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपको चैनल आर्ट लगाना है। आप यहाँ पे पहले वीडियो मैनेजर खोल लीजिएगा, ठीक है। वीडियो मैनेजर आप क्लिक कर लीजिएगा, मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका यूट्यूब स्टूडियो खुल गया। ओके फ्रेंड्स, तो आप सिंपली इसे एग्जिट कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आना है सेटिंग्स में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ये सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ करेंसी, अगर आप $ ही रहने देना चाहते हैं तो आप रहने दीजिए, आप इसे INR में भी चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये रहा इंडियन रुपी।
मैं इसे भी USD में रहने देता हूँ। देन चैनल में हम आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है क्योंकि बहुत से लोग नहीं करते, जो भी नए नए यूट्यूब चैनल बनाते हैं वो इसे भूल जाते हैं। आपको यहाँ पे अपने DJ सा हैक्स जो चैनल है उसके लिए आपको यहाँ पे कीवर्ड्स डालना है कि लोग क्या चीज़ यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि आपका चैनल वहाँ पे शो होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ DJ स्पेस सा हैक्स। हर एक एक टैग्स के बाद फ्रेंड्स आपको कॉमा लगाना है ताकि ये यूट्यूब को पता चले कि हाँ ये नया टैग। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसे जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपना 4-5 कीवर्ड डाल रखा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, लाइक मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा कंट्री इंडिया है, तो चलिए हम यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको नीचे करना है और यहाँ पे सेव पर आपको क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स, अगेन आपको यहाँ सेटिंग पे जाना है। फिर मैं यहाँ चैनल में एडवांस सेटिंग। एडवांस में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अगर आप किड्स के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं तो फिर आप इसे यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी बच्चे के लिए अपलोड नहीं करते, अगर आप कोई ऐसा कंटेंट डालते हैं जिसे हमेशा 18+ एज के ही लोग देखते हैं, तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर दीजिए। ओके फ्रेंड, देखिए यहाँ पे नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको आना है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। चाहे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ब्रांडिंग में आना है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि लोगों को यहाँ पे साइड में आपका लोगो हमेशा दिखता ही रहे। ठीक है, जो भी आपका वीडियो प्ले करे, जो भी आपका वीडियो को व्यू करे, उससे आपको यहाँ पे साइड में आपका लोगो हमेशा दिखते रहे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ चूज इमेज में जाना है और आपको अपना PNG फाइल सेलेक्ट कर लेना है। याद रहे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स PNG ही चलता है। यहाँ पर एंटायर वीडियो पर क्लिक कर देना है। देन फ्रेंड यहाँ फीचर एलिजिबिलिटी पे आ जाइएगा। अब आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दे रहा है फीचर्स दैट रिक्वायर फोन वेरिफिकेशन। तो अगर आप फ्रेंड्स ये 15 मिनट से ज़्यादा का अगर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे फ़ोन वेरीफाई कराना होगा अपना फ़ोन नंबर। अगर आप कस्टम थंबनेल डालना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ये भी बहुत सारे लोग अपना फ़ोन नंबर नहीं वेरीफाई कराते हैं और ये थंबनेल कस्टम नहीं डालते, इसके कारण वो बहुत सारे व्यूज़ को लूज़ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई कराइए और ये कस्टम थंबनेल के इस फीचर को आप यूज़ करिए। ओके फ्रेंड्स, देन लाइव स्ट्रीमिंग का भी आपको मतलब फीचर इनेबल हो जाएगा ये आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई फ़ोन नंबर पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। यहाँ को बस अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। लाइक देखिए यहाँ डिफ़ॉल्ट इंडिया तो आ ही गया है। देन आपको टेक्स्ट डेटा वेरीफिकेशन कोड में क्लिक करना है। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है। लाइक मैं डाल देता हूँ अपना। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे अब आपके पास आपके फ़ोन पे OTP आती है, बस आप उस OTP को यहाँ पर एंटर करिए। सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करिए। फिर देखिए आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूट्यूब अकाउंट इज़ वेरीफाइड करके यहाँ नोटिफिकेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आपका यूट्यूब अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब हम इस टैब को क्लोज कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन जब आप सेटिंग पर जाइएगा, अब आपको फ्रेंड्स यहाँ अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में आना है। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आप अपने यहाँ पर कोई भी एक टाइटल डाल सकते हैं, लाइक जो आप हर वीडियो में सेम रखना चाहते हैं। लाइक आगे का तो टाइटल आप हमेशा अलग रखिएगा, बट लास्ट का जो लाइन है, लाइक ये मेरे चैनल का नाम है जो कि मेरे हर एक वीडियो के लास्ट में रहेगा। देन या डिस्क्रिप्शन, जो आप हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब नॉन दिस ऑन दैट। तो इसे आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, इसे मैं भी रहने दे रहा हूँ। देन एडवांस सेटिंग में आने के बाद आप लाइसेंस में क्लिक करके स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे कैटेगरी में जाकर के आप जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो डालना चाहते हैं आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि ये आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे वीडियोज़ आपका डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगा। हाउ टू अनस्टैंड मैं डाल देता हूँ। देन कैप्शन तो फ्रेंड्स डालना नहीं है। वीडियो लैंग्वेज हम यहाँ सेलेक्ट कर लेना ताकि ये ज़्यादा ईजी हो यूट्यूब को ये चीज़ फेच करने में। यहाँ चलिए हम हिंदी डाल देते हैं। देन कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन अभी नहीं डालना है हमें। कमेंट आप क्या चाहते हैं, अलाउ ऑल कमेंट या फिर होल्ड पोटेंशियली अप्रोप्रिएट कमेंट, यही सबसे अच्छा है, आप इसे टिक रहने दीजिए। यूजर्स कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, ये भी बहुत सही ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स इसे डाल के आप सेव में क्लिक कर लीजिए। अब आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि हम वीडियो कैसे बनाते हैं, इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए कौन कौन से हम ऐप यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हमें यूट्यूब के लिए ऑडियो कहाँ से मिलेंगे जिसमें कभी भी कोई भी तरह का कॉपीराइट ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब के सब हम अपने अगले वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स।
तो ये था दोस्तों कि एक प्रोफेशनल YouTube चैनल कैसे बनाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। आने वाले वीडियोस में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि YouTube वीडियोस के लिए आपको थंबनेल कैसे बनाना है, एक अच्छा वीडियो एडिट कैसे करना है और एक अच्छी क्वालिटी का वॉइस कैसे रिकॉर्ड करना है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको फ्रेंड्स लगता है कि आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल में किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स अब इस वीडियो को एंड करते हैं। सो अगले वीडियो तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।